वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम चिकन को 2 स्टेप्स में मैरिनेट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है लेमन जूस। तो तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के बराबर हम यूज़ करेंगे लेमन जूस। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। ये हमने तैयार करके रखा हुआ है, तो ये हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसका कलर तेज़ होता है और फ्लेवर में ये हल्का होता है। और इसके अलावा हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें और लाल मिर्च पाउडर। सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर यूज करेंगे। अब हम ये मैरिनेशन अप्लाई करेंगे चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से। चिकन हम यूज कर रहे हैं विदाउट स्किन। अगर आप चाहें तो स्किन के साथ भी यूज कर सकते हैं। विंग्स से स्किन हटाना हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए उसको हमने रहने दिया है। चिकन को हम पहले से प्रिक कर चुके हैं, को हमने फोर्क के साथ पहले से प्रिक कर लिया है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो आफ्टर 20 मिनट्स चिकन को हमने बाहर निकाल दिया है फ्रिज से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें कोरिएंडर सीड्स या धनिया पाउडर डालेंगे। फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है लेकिन तंदूरी चिकन में कलर डला हुआ अच्छा लगता है। ये तकरीबन 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड, ये हंग कर्ड है, और यहाँ पे हमने पीस के रखा हुआ है ग्रीन चिली, मिंट एंड कोरिएंडर, और कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो हाथ की मदद से हम ये मैरिनेशन अप्लाई करेंगे चिकन के पीसेस के ऊपर दोबारा से ताकि ये अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, तमाम स्पाइसेस, योगर्ट, कुकिंग ऑयल और लेमन जूस। अगर आप इसमें दही डालेंगे, दही में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उससे फिर ये जो मैरिनेशन है ये काफ़ी रनी सा हो जाएगा और स्पाइसेस जो हैं वो फैल जाएंगे इधर उधर। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि योगर्ट में पानी कम से कम हो और एक क्रीमी सा टेक्सचर हो, क्योंकि जब हम इसको दोबारा मैरिनेट करेंगे तो काफ़ी सारा जो है ना वाटर रिलीज़ होगा चिकन के पीसेस से। तो अब ये अच्छी तरह से हमने अप्लाई कर दिया है। जो सेकंड हमारी मैरिनेशन थी इसको अब हम दोबारा रेफ्रिजरेट करते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स। तो चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसको ग्रिल करेंगे।